नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, जो कि दमोह जिले की नगर कोतवाली अंतर्गत सामने आ रही है। बताया जाता है कि युवक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। सिर में, हाथ पे काफी गंभीर चोट है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत उमामस्थी के तलैया के समीप का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना के संबंध में घायल सुभाष रेखवार के द्वारा बताया गया कि वह महाकाली चौक के समीप का रहने वाला है। उमामस्थी के तलैया के समीप दो युवकों के द्वारा इसके ऊपर हमला किया गया, कंजर से हमला किया गया। हवाई फायर करने की बात भी युवक के द्वारा कही जा रही कि दो बार हवाई फायर किया गया है। हालांकि मामले की पुष्टि अभी तक नहीं हुई कि हवाई फायर हुए हैं, लेकिन युवक के द्वारा बताया जा रहा है कि हवाई फायर भी हुए हैं। काफ़ी गंभीर चोट आने के बाद युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। घायल युवक के द्वारा संपूर्ण घटना के संबंध में बताया गया। लगातार तीसरा दिन है जब इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही हैं। काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है। आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जैसा कि फरियादी के द्वारा बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। क्या हो गया है? अनुज गुप्ता ने और अभय गुप्ता, उसके साथ और लोग भी थे, हम इसकी के तलैया गए पुलिया कहाँ। हमने पहले हवा फायर गोली दी, गोली चलाई, उसने हमारी खंजा निकाला, उसने पर खंजा रखा, उसने हमें धमकी दी कम तुम्हें जान से मार देंगे। उसने फिर हमें बियर की बाटल मार दी सर पे, फिर हमने लगाई दौड़, उसने फिर एक और फायर की, फिर उसके बाद उन्होंने ईंटा मारा हमें और हमारी छाती में लात मारी, बोल रहे थे आज हम तुम्हें जान से खत्म कर दें। क्या कोई पहले से बुराई थी क्या आपकी? कोई बुराई नहीं थी उनको, कुछ मैं मंदिर में के लोगों ने जिसने जो कुछ पता नहीं थे उसको, कुछ पैसा वैसा तो पीछे उसने वासा दी थी। क्या नाम है आपका? सुभाष। कहाँ के हो आप? महाकाली चौरक वार्ड नंबर। जिसने मारा है उसका क्या नाम है? अनुज गुप्ता, अभय गुप्ता और उसके साथ तीन चार लोग और। कहाँ की घटना है ये? तलैया के बाहर पुलिया में। हम घर से आ रहे थे तो हमने पुलिया बुला लिया, हमने गाड़ी पकड़ के हमें खसोड़ दिया। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। प्रिया समाचार।